रिद्धि, इस बार आपका बर्थडे कितना खास होने वाला है? कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं आप अपना बर्थडे? इस बार हमारा बर्थडे, हमारा कह दूँ, मेरा बर्थडे सिर्फ मेहंदी दिखा दो। इस बार हमारा बर्थडे मुझे इसीलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग होने वाले हैं मेरे बर्थडे पे। हम एक दोस्त की शादी पे जा रहे हैं। दोस्त नहीं, मेरी बहन की शादी है। इसकी बहन है और मेरी दोस्त है। ये कैसे हो गया? मेरी दोस्त है, हम उसकी शादी पे जा रहे हैं और अभी एक्चुअली बहुत शादी का माहौल है, शादी की फील है। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। हम बॉम्बे में नहीं होंगे, आई विल नॉट बी इन बॉम्बे। हम एक बहुत खूबसूरत ब्लैक बक रिजॉर्ट में होंगे एंड आई एम सो एक्साइटेड कि मेरा बर्थडे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे निकलने वाला है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। सो रिद्धि का बर्थडे विल बी बिटवीन ब्लैक बक्स, बिटवीन ब्लैक बक्स इन द नेचर। आई थिंक यही सबसे बड़ी चीज है कि सुची की शादी हो रही है मेरे बर्थडे पे और वो हर साल होगा ऐसा। सब लोग रहेंगे साथ में। इनफैक्ट बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जो सारे इतने सारे खास दोस्त एक साथ रहेंगे, मजे करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल बर्थडे। आई एम जेलस ऑफ यू मैन, सीरियसली। इतना परफेक्ट बर्थडे कैसे हो सकता है किसी का? बट गुड बर्थडे, योर फिल्म रिलीज्ड ऑन योर बर्थडे। या माय फिल्म रिलीज्ड ऑन माय बर्थडे, या सो इट्स गुड। रिद्धि, रिसेंटली आपने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें आपने अपना बर्थडे थॉट भी शेयर किया था, उसके बारे में बताएं। कुछ नहीं, वो मैं एक पूल पे हूँ और मैं ऐसे मेडिटेटिव पोज में बैठी हुई थी, तो आई फेल लाइक दैट फोटो वॉज वेरी रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ आई एम फीलिंग। और दो दिन में बर्थडे है तो यू नो इट्स अ वेरी वेरी एवरी ईयर ऑन माई बर्थडे मेरा कुछ वैसा ही मूड होता है। यू नो दिन में मन करता है कि मैं गुरुद्वारे जाऊं, जो मैं हमेशा जाती हूं। इस बार नहीं जा पाऊंगी बिकॉज आई विल बी ओवर देयर, बट आई एम वेरी हैप्पी समवन विल बी गेटिंग मैरिड ऑन माय बर्थडे। इतनी सारी पूजा होगी मेरे बर्थडे पे, बट यू नो सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड यू नो एंड पार्टी, बिकॉज यू ऑलवेज पार्टी एंड पूल इज इक्वल्स टू पार्टी, राइट? सो दैट इज व्हाट आई मेंट बाय दैट पोस्ट, कि बर्थडे आ रहा है तो दो कॉन्ट्रास्टिंग फीलिंग्स जो हमेशा होते हैं मुझे, कि यू नो इट्स अ टाइम टू रिफ्लेक्ट, टू थिंक बैक कि कैसा साल गया और आने वाला साल कैसा जाएगा, एंड इट्स ऑल्सो टाइम व्हेन यू जस्ट वांट टू लेट योर हेयर डाउन एंड हैव अ गुड टाइम। रिद्धि, टीवी से ब्रेक लिए हुए आपको ऑलमोस्ट एक साल हो गया है, तो कब हो रहा है आपका कमबैक? यार ऑनेस्टली आई डोंट नो टीवी पे क्या कब कैसे होगा। आई थिंक अब खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा टीवी पे काम करने के लिए, बिकॉज आई कांट, द कॉन्टेंट ऑन टीवी कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। सो दो शोज के कॉल्स आए हैं मुझे और लेट्स सी। आई थिंक नाउ इट्स लेस अबाउट कि यू नो कुछ भी कर लो, बट आई मीन आई हैव नेवर रियली डन कुछ भी। आई ऑलवेज चूज वेरी 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 वाइजली कि मैं क्या करूं फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं जो भी करूं मैं वो करते हुए खुश रहूं। और मैं रोज सेट पे जाना पड़ता है, 12 घंटे आपको सेट पे रहना पड़ता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड चैलेंज टू डू समथिंग। एंड आई रियली होप दैट समथिंग इंटरेस्टिंग कम्स अप, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डू। आई थिंक इट्स माई बर्थडे विश टू माई सेल्फ कि अगर मैं टीवी पे काम करूं देन आई हैव टू डू समथिंग विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वॉट आई हैव डन बिफोर। दुनिया बदल गई है और टाइम्स आर चेंजिंग, ऑडियंसेज आर चेंजिंग, सो इट्स अबाउट टाइम दैट वॉट आई डू ऑन टीवी ऑल्सो चेंजेस, बिकॉज दैट्स क्लोजर टू माई सेंसिबिलिटीज। बर्थडे के मौके पर आप अपने उन फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आप पर अनलिमिटेड प्यार की बरसात करते हैं और बेसब्री से आपके कमबैक का इंतजार कर रहे हैं? थैंक यू कहना चाहूंगी और ये कहना चाहूंगी कि मैं चाहे ही बहुत चूजी हूँ काम करने में और मैं बहुत यू नो सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स चुनती हूँ, बट आई अश्योर यू कि मैं जो कुछ भी करूंगी यू विल बी रियली प्राउड ऑफ मी एंड यू विल बी रियली प्राउड कि मैं इसकी फैन हूँ। आई प्रोमिस यू दैट मैं जब भी किसी की, मैं जिसकी फैन होती हूँ तो मुझे बस यही लगता है, यू नो लाइक आई मीन आई हैव ग्रोन अप लविंग शाहरुख और मुझे हमेशा यही लगता था कि आई एम प्राउड टू बी हिज फैन। सो आई ऑल्सो होप दैट यू आर प्राउड टू बी अ वेल विशर ऑफ माइन एंड अ फॉलोअर ऑफ माई वर्क। एंड मैं जब काम नहीं कर रही होती हूँ तो ऐसा मत सोचिए कि मैं काम नहीं कर रही हूँ, मैं खुद पे एज एन आर्टिस्ट काम कर रही होती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। बट हमारा फील्ड और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि आप जब पर्दे पे ना दिखे तो ना ही बात करें अपने बारे में तो बेटर होता है, अदरवाइज वो लगता है बहुत क्या कि बहुत आई मी माई सेल्फ, राइट? सो आई प्रेफर नॉट टू डिस्कस व्हेन आई विल बी ऑन एनी प्लेटफॉर्म, बी टीवी, वेब और फिल्म, यू नेवर नो, यू नो यू विल नो एंड आई विल बी हैप्पी एंड आई होप यू विल बी हैप्पी टू। वेल, वी विश रिद्धि कि फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप अपने बर्थडे को अच्छे से एंजॉय करें और आने वाले साल में आपकी सभी विशेष पूरी हों। मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।